यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरक सिंह रावत का ये जो ऐलान है, इस पर कांग्रेस नेताओं का बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माने ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। बयान देने में किसी का क्या जाता है, बयान तो किसी ने ये भी दिया था 2012 में कि गंगा माँ की कसम, धारी देवी की कसम, शपथ लूंगा तो केवल मुख्यमंत्री की लूंगा, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली। तो जो धारी देवी की कसम खाने के बाद कि मैं मुख्यमंत्री के अलावा किसी पद की शपथ ही नहीं लूंगा, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली, तब कोई कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो कैसे कोई भरोसा करेगा। और अगर आप नहीं भी लड़ेंगे तो उत्तराखंड की जनता की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। उत्साही व्यक्ति है और अभी उसकी उम्र भी ऐसी नहीं हुई कि चुनाव न लड़े। अब मुझे नहीं पता, हो सकता कोई कष्ट हो उनको, तो कोई बात करेंगे आप? हम करेंगे बात, हमारी तो अच्छे संबंध है उनसे, रिश्ते हैं, बात करेंगे और जो कष्ट होगा हम दूर कर सकते होंगे तो हम करेंगे दूर। बयान देने में किसी का क्या जाता है, बयान तो किसी ने ये भी दिया था 2012 में कि गंगा माँ की कसम, धारी देवी की कसम, शपथ लूंगा तो केवल मुख्यमंत्री की लूंगा, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली। तो जो धारी देवी की कसम खाने के बाद कि मैं मुख्यमंत्री के अलावा किसी पद की शपथ ही नहीं लूंगा, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली, तब कोई कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो कैसे कोई भरोसा करेगा। और अगर आप नहीं भी लड़ेंगे तो उत्तराखंड की जनता की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। उत्साही व्यक्ति है और अभी उसकी उम्र भी ऐसी नहीं हुई कि चुनाव न लड़े। अब मुझे नहीं पता, हो सकता कोई कष्ट हो उनको, तो कोई बात करेंगे आप? हम करेंगे बात, हमारी तो अच्छे संबंध है उनसे, रिश्ते हैं, बात करेंगे और जो कष्ट होगा हम दूर कर सकते होंगे तो हम करेंगे दूर। बयान देने में किसी का क्या जाता है, बयान तो किसी ने ये भी दिया था 2012 में कि गंगा माँ की कसम, धारी देवी की कसम, शपथ लूंगा तो केवल मुख्यमंत्री की लूंगा, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली। तो जो धारी देवी की कसम खाने के बाद कि मैं मुख्यमंत्री के अलावा किसी पद की शपथ ही नहीं लूंगा, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली, तब कोई कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो कैसे कोई भरोसा करेगा। और अगर आप नहीं भी लड़ेंगे तो उत्तराखंड की जनता की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। उत्साही व्यक्ति है और अभी उसकी उम्र भी ऐसी नहीं हुई कि चुनाव न लड़े। अब मुझे नहीं पता, हो सकता कोई कष्ट हो उनको, तो कोई बात करेंगे आप? हम करेंगे बात, हमारी तो अच्छे संबंध है उनसे, रिश्ते हैं, बात करेंगे और जो कष्ट होगा हम दूर कर सकते होंगे तो हम करेंगे दूर। बयान देने में किसी का क्या जाता है, बयान तो किसी ने ये भी दिया था 2012 में कि गंगा माँ की कसम, धारी देवी की कसम, शपथ लूंगा तो केवल मुख्यमंत्री की लूंगा, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली। तो जो धारी देवी की कसम खाने के बाद कि मैं मुख्यमंत्री के अलावा किसी पद की शपथ ही नहीं लूंगा, और उसके बाद कैबिनेट मंत्री की शपथ ले ली, तब कोई कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो कैसे कोई भरोसा करेगा। और अगर आप नहीं भी लड़ेंगे तो उत्तराखंड की जनता की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। उत्साही व्यक्ति है और अभी उसकी उम्र भी ऐसी नहीं हुई कि चुनाव न लड़े। अब मुझे नहीं पता, हो सकता कोई कष्ट हो उनको, तो कोई बात करेंगे आप? हम करेंगे बात, हमारी तो अच्छे संबंध है उनसे, रिश्ते हैं, बात करेंगे और जो कष्ट होगा हम दूर कर सकते होंगे तो हम करेंगे दूर।